Watching Jai Hind doesn't cause swine flu, AIDS, malaria, poverty, inflation, deflation, fiscal deficit, disinvestment, corruption, or total failure of judiciary. In short, we are a satirical show and not a government policy. Jai Hind, Jai Hind. And welcome to Jai Hind. क्या हुआ यार? यार तुम बजाना क्यों बंद कर दिया यार? कभी देखा नहीं क्या? क्या नहा के क्या सूट वूट भी आते हो क्या बाहर? ऐसे ही आते ना हम लोग बाहर तो? नहीं नहीं, अरे पहले कभी सनी देओल का वो बनियान वाला एड नहीं देखा क्या यार आप लोगों ने? अपना लक नहीं, कैसे बोलते ना, अपना लक पहन के चलो. सुना नहीं तुम लोगों ने? अरे सोनिया जी भी कह रही हैं, नहीं ये नहीं कह रही कि अपना अलग पहन के चलो, वो ये कह रही है कि सरकारी अफसरों और मिनिस्टर्स ने जो है अपना जीवन वो सादगी में बिताना चाहिए, सादगी के साथ कम में गुजारा करना चाहिए. सोनिया जी लुक एट मी, क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूं? और जैसा कि आपने कहा कि मैं बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल नहीं करता और ना ही तीन तीन महीने फाइव स्टार होटल्स में रहता हूं. हाँ वैसे कभी कभी आइसक्रीम खा लेता हूं, लेकिन वो तो आप भी खा लेती हैं. कभी कभी शॉपिंग में कर लेता हूं मैं, वैसे तो वो आप भी करती हैं. वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि एक एमपी को साल भर के लिए सादगी से रहना चाहिए, ना कि सिर्फ तब जब सूखा पड़ा हो. तो इस पर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब दा कहते हैं, लालू जी ने कहा, अरुण जेटली जी कुछ जरूर कहेंगे. चलो और लास्ट एज वेल एज द लीस्ट, आम आदमी ने कहा. लेकिन चलो खबर मिली है कि प्रधानमंत्री ने सारे मिनिस्टर्स को कहा है कि कुछ दिन हवाई यात्रा ना करें, और ऑलरेडी देश से बाहर घूम रहे 50 एमपीओं का यह कहना है कि तो क्या करें, अगले साल आ जाए क्या? I got a valid point. I get a feeling कि आप लोग मेरी बातों से ज्यादा मेरी सादगी पर हंस रहे हैं. सी 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 सी, I think I should act like our ministers. And give a f*** about the whole feeling. Take a break. Suno apne. बराक ओबामा हाल ही में एक स्कूल में गए थे जहां एक बच्चे ने उनसे पूछा कि अगर आपको मौका मिलता अंकल तो आप किसके साथ डिनर करते? इस पर ओबामा ने कहा कि मौका मिलता तो वो जरूर महात्मा गांधी जी के साथ डिनर करना पसंद करते. सही बात, मौका मिलता तो ओबामा बहुत कुछ करते, जैसे कि अपने इलेक्शन प्रॉमिसेस को पूरा करते. लेकिन क्या करें, मौका ही नहीं मिला. अब ये आसान सा सवाल उन्हें सिक्स क्लास के एक छोटे से नन्हे बालक ने पूछा. तो आजकल ओबामा जो है वो सिक्स क्लास के बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं. पर भी कह सकते हैं बड़े तो उनकी बात सुनते नहीं है. खैर ओबामा हो गए, अब आ रहे हैं ओसामा पर. आसिफ अली जरदारी ने कहा है ओसामा इज डेड. अच्छा, मुझे तो लगा था जरदार इज ओनली अ लेडी किलर. लेकिन ये अजीब बात है, आई मीन ओसामा मरा भी तो सबसे पहले जरदारी को कैसे पता चला? नहीं, आई मीन क्या ओसामा ने मरते मरते जरदारी को एक आखिरी फोन लगाया होगा? हेलो हेलो जरदारी, और रुखसाना, अबे चूतिया रुखसाना नहीं ओसामा. अब क्या हुआ, क्यों रोज रोज फोन लगाता है बे?
मैं मर रहा हूं। झूठ झूठ झूठे कमीने, पिछले 10 साल में 100 बार मर चुका है तू, ये र्यूमर सुन चुका हूं मैं, अब तो तेरे मुंह से भी सुनूंगा ना तो भी नहीं मानूंगा मैं। सच में इस बार अमेरिका क्या अमेरिकन फोर्सेस तुम तक पहुंच गई? कैसे? अबे सुनना, अमेरिकन फोर्सेस नहीं बे, अमेरिका का रिसेशन। मेरा सारा पैसा डूब गया, इंश्योरेंस में लगाया था, इंश्योरेंस कंपनी तक डूब गई, आई एम डाइंग। हां ब्लाइंडेड। बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई, मरने मारने की बात है, बहुत हो गई यार। अब सुनिए ये एक चटपटी खबर सुनिए, कबीर बेदी और जीनत अमान 38 साल के बाद एक बार फिर एक फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। बस अब फर्क ये होगा कि 38 साल बाद कबीर बेदी जीनत अमान जैसे दिखेंगे और जीनत अमान कबीर बेदी जैसे। नाइल नितिन मुकेश, और इज इट नील नितिन, व्हाटएवर NEIL का क्या होता है उच्चारण, जो होगा वो नील नितिन मुकेश ने कहा है कि उन्हें न्यूड सीन्स करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई क्योंकि अपनी स्किन में वो कंफर्टेबल है और मधुर भंडारकर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। रिपीट, नील अपनी स्किन में कंफर्टेबल है, ओके, और भंडारकर एक इंस्टीट्यूशन है। I like this logic. बस इसमें यही जोड़ना बाकी रह गया है कि आजकल आसमान का रंग हल्का गुलाबी है ना? और मेरे अंडरवेयर पर मिकी माउस बना हुआ है। कमाल होता है। अच्छा anyway, भंडारकर एक इंस्टीट्यूशन है, कैसा इंस्टीट्यूशन है? नहीं, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोग नंगे घूमते हैं? anyway, दिल थाम के बैठी है बिकॉज वी हैव अ फुल्ली क्लोथ्ड सविता भाभी थोड़ी देर में। नई फिल्म व्हाट्स योर राशि का क्लाइमैक्स उन्होंने बदल दिया है। यस, ओरिजिनल क्लाइमैक्स को देखकर आप लोग बोलते क्या छूतिया ही रही है यार ये। अब नए क्लाइमैक्स को देखकर आप लोग बोलोगे क्या मार पे दिमाग की है। शेखर कपूर, नहीं नहीं ये गाली नहीं दे रहा हूं मैं नाम बता रहा हूं, शेखर कपूर, अरे अपने इंडियाज गॉट टैलेंट के जज यार, कमाल। हाँ, जो इतना रोए हैं कि एकता कपूर ने उन्हें फोन करके पूछा, शेखर सास बहू सोप में काम करोगे? तो शेखर कपूर ने अब एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है पैसेज। लेकिन शेखर कपूर को देखते हुए उस टाइटल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इट शुड बी कॉल्ड पैसेज ऑफ टीयर्स। एक और बात मेरी समझ में नहीं आई, इंडियाज गॉट टैलेंट में किरण खेर जो है वो कैसे जज बन सकती है? मतलब जो अपने बेटे का टैलेंट नहीं जज कर पाई वो इंडिया का टैलेंट जज करेगी? चाइना चाइना इंडिया पर अटैक करने की फिराक में है, लेकिन फिराक में तो मैं हूं। सच्ची कह रहा हूं, आपने देखी नहीं फिल्म फिराक? लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप जो है ना अपनी शूलेस बांधने के लिए झुकना मत, आप ऐसे झुकेंगे तो मेरा रोल चला जाएगा। इट्स अ ब्लिंक एंड मिस रोल, आई एम नॉट शॉर्ट, अब है ना फेस्टिवल वाली फिल्म में मैं हूं। एनीवे, हां, तो सुना गया है कि चाइना इंडिया पर अटैक करने की सोच रहा है, तो मैं कहता हूं आओ सालो करो अटैक, बनाओ सरकार। अबे कौन डरता है, आज तक तुम्हारा बनाया हुआ 3 दिन से ज्यादा तो चलता नहीं है। बल्कि जगदम्बिका पाल बहुत डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि उनका 3 दिन के लिए सीएम बनने का रिकॉर्ड ना टूट जाए। और अब फेस्टिव सीजन की खुशी में कुछ खास गिफ्टें कुछ खास लोगों के लिए सिर्फ जय हिंद की तरफ से। जी हां, जय हिंद लाया है कुछ
बहुत ही अच्छे फेस्टिव सीजन के गिफ्ट्स तोहफे। सबसे पहले तोहफा ये शशि थरूर जी के लिए है, ये है 2 किलो का बाट। 50 बार उठाएं, जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी और मजबूरन 5 स्टार में नहीं रहना पड़ेगा। मायावती जी के लिए ये स्टैचू चश्मा। सॉरी। क्या है कि इसे लगाकर आप जिधर भी देखोगे ना तो आपको स्टैचू ही दिखेंगे। ये देखिए, यहां तक कि अगर आपने अमिताभ बच्चन को भी देख लिया ना तो आपको लगेगा अरे आप मायावती बहन को ही देख रहे हैं। माइकल जैक्सन के सभी फैंस जो उनकी मौत के बाद बहुत टची हो गए हैं और कहीं भी माइकल का नाम लिया जाए तो उन्हें लगता है कि माइकल की इंसल्ट है, उनके लिए है ये चिल पिल। चिल। माइकल जितने कांड करके गए हैं उसके बाद कोई क्या उनका मजाक उड़ाया गया। और यही चिल पिल उन सबके काम भी आएगी जो स्वाइन फ्लू से ऐसे डरते हैं जैसे फ्लू नहीं शक्ति कपूर आया। और ये किताब हाउ टू कैलकुलेट योर एज चारों खान्स के लिए है, आमिर, सैफ, सलमान और शाहरुख। आई एम श्योर तुम लोग ये बुक पढ़ोगे और जल्दी से इसका होमवर्क पूरा करके हमें भेजोगे। और जो सबसे पहले भेजेगा उसे मिलेगा ये एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड वाला विग। और अब आएगी सविता भाभी आफ्टर दिस मौका परस्त ब्रेक। कितने उतावले हो गए आप लोग, मैं समझ सकता हूं। प्लीज वेलकम सविता भाभी। सविता भाभी के सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। सविता भाभी, हाँ बोलो सुमित, कैसी हो? वेल, लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत सेक्सी हूँ। ठीक कहते हैं। तो आज किस वर्ल्ड प्रॉब्लम का सलूशन देने वाली हो? आज हम ग्लोबल रिसेशन के बारे में बात करेंगे। यू नो, ग्लोबल रिसेशन की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की सेक्स लाइफ खराब हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मेरी नहीं। हाँ, तो क्या सॉल्यूशन है? सी, इकोनॉमी का बेसिक फंडा है डिमांड एंड सप्लाई। आई थिंक हम लोगों को और ज्यादा डिमांडिंग होना चाहिए। डिमांड करोगे तभी सप्लाई होगी। और मेरी तरफ से मैं तो हर डिमांड पूरी करती हूँ। वो तो कौन नहीं जानता। लेकिन सविता, रिसेशन के बाद लोगों का इन्वेस्टर्स से ना भरोसा उठ चुका है, इसका कोई इलाज? इन्वेस्टर्स को मेरी एक ही सलाह है, डोंट जस्ट काउंट, मेक इट काउंट टू। पीपल वांट बैंग फॉर देयर बक, सो गिव इट टू देम। बैंग फॉर द बक, व्हाट लक, थैंक्स सविता। और आपने सुना, एक रिसर्च ने प्रूव किया है कि फेसबुक यूज करने से इंटेलिजेंस बढ़ता है। ये बात और है कि कभी इतना नहीं बढ़ता कि हमें पता चले कि फेसबुक पे कितने घंटे बर्बाद कर दिए हमने। और इंटेलिजेंस तो जय हिंद देखने से भी बढ़ता है। यकीन नहीं होता तो हमारा कमेंट सेक्शन देख लीजिए। देखिए, ऐसे कमेंट्स हैं कि आइंस्टाइन का बाप ही समझ सकता है। वेरी इंटेलिजेंट। तो आप भी अपने इंटेलिजेंट कमेंट्स
www.jaihind.tv या फिर jaihind.buzzintown.com पर भेज दीजिए। हाँ, और बदले में हम आपको देंगे हेड सालों भूको, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तुम लोगों को आदत खराब हो गई है, कुछ नहीं मिलेगा। बदले जय हिंद, जय हिंद। Shut up and watch the